आज मैं आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल अंडा करी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। अंडा करी बनाने के लिए 6 अंडों को उबाल लिया है मैंने। अब मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 8 से 10 कलियां लहसुन की और धनिए की डंडी ली है मैंने। अब प्याज को हम बारीक काट लेंगे और टमाटर को हम रफली कट कर लेंगे क्योंकि टमाटर मिक्सी में ग्राइंड होने वाली है। तो अब हम चलते हैं मसाला बनाने के प्रोसेस में। टमाटर लेंगे, अदरक लेंगे, 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच दही, धनिए की डंडी डालेंगे, इससे मसालों का टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। अब इस सब को हम मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हम कूट लेंगे। अब 3 चम्मच धनिया पाउडर, 4 हरी इलायची और 1 चम्मच काली मिर्च को हम मिक्सी जार में डालेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डाल देंगे। मैंने सरसों का तेल डाला है, आप चाहे तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हम 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को 2-3 मिनट तक ही भूनेंगे लो फ्लेम पे। प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अब प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और दही का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे इसमें। अब मिला लेंगे इसे और 8 से 10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक मसालों से तेल सेपरेट ना हो जाए। ढक्कन लगा लेंगे। अब अंडों को छील लेंगे और फिर इसमें हम कट लगा लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक। मिला लेंगे इसे अच्छे से। आप चाहें तो बिना हल्दी नमक के भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब पैन में तेल डालेंगे। तेल मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें अंडों को डाल देंगे फ्राई करने के लिए। यहाँ पे जो अंडे हमने मैरिनेट करके रखे थे इसे हम तेल में डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, मसालों से तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें पीसे हुए मसाले डाल देंगे, धनिया, छोटी इलायची और काली मिर्च का जो पाउडर हमने बनाया था, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और 1/2 कप के करीब हम पानी डाल के मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ढक देंगे इसे। अब 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे मसाला अच्छे से भून गया है, मसालों से तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 कप के करीब इसमें पानी डाला है।
अब ढक देंगे इसे। अब करी में उबाल आ जाने के बाद हम इसमें अंडे डाल देंगे। अंडा डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 8 मिनट और पकाएंगे। अब 7 से 8 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ग्रेवी जो है वो पहले से गाढ़ी हो गई है, तो अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया का पत्ता। तो अब एक करी बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ढाबे जैसा है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो हमारी अंडा करी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।